हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, आज के इस वीडियो में हमारे पास है वीवो का न्यूली लॉन्च्ड वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो। और ये एक फोल्डिंग स्मार्टफोन है। एंड गाइज, आजकल फोल्डिंग और फ्लिप वाले स्मार्टफोन का कुछ अलग ही क्रेज चल रहा है मार्केट में। एंड ये वीवो का पहला फोन है जो उन्होंने ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया है। इससे पहले भी वीवो ने फोल्ड फोन लॉन्च किए हैं, बट वो इंडिया में लॉन्च नहीं किए थे। सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए नहीं, इसके अंदर कौन कौन से आपको फीचर मिलते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स को अभी हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें दिखता है फ़ोन। अभी हम इस फ़ोन को रख देते हैं साइड में। अंदर की तरफ आपको कुछ और बॉक्सेस दिख रहे होंगे। पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है एक 120 वॉट का चार्जर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बॉक्स के अंदर चार्जर मिल रहा है। एंड इसी बॉक्स के अंदर आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाता है। इसको भी अभी साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बॉक्स की। इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, साथ में हमें मिलता है एक एक्स केयर का कार्ड, विच इज अ प्रीमियम थिंग, और साथ में मिलता है एक सिम इजेक्टर पिन। काफी कूल सा लग रहा है सिम इजेक्टर पिन। तो चलो अब इन सब चीजों को रख देते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे फोन की। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है इसके अंदर आपको 150 वॉट का फास्ट चार्जर भी साथ में मिलता है। आजकल जो है फोन्स के अंदर बॉक्स में चार्जर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत रेयर है, बट इसके साथ आपको चार्जर देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हालांकि ये फोन सिर्फ और सिर्फ 100 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पहले अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये फोन। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ओनली 245 ग्राम्स का है। इवन तो ये एक फोल्ड फोन है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पतला है। फोल्ड होने के बाद इसकी जो कंप्लीट थिकनेस है वो है सिर्फ 11.2 mm, और जब आप इसको अनफोल्ड करते हो तो ये 5.2 mm का रह जाता है सिर्फ, विच इज अ वेरी थिन स्मार्टफोन। मतलब फोल्ड फोन इतने थिन नहीं होते, मैंने इतने थिन फोल्ड फोन नहीं देखे हैं। वीवो ने सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। और अगर आप इसकी हिंजिस की तरफ नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा, एकदम गैपलेस परफेक्टली क्लोज हो जाता है ये, जिससे एकदम सिमेट्री और परफेक्ट शेप मिलता है इसका। तो ओवरऑल डिजाइन काफी ज्यादा कूल लगा मुझे। अब बात कर रहे हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो पीछे की तरफ आपको इसमें फाइबर ग्लास देखने को मिल जाता है, और इस फोन में जो साइड्स हैं वो एल्युमिनियम अलॉय की मिलती हैं, और जो डिस्प्ले है उसमें आपको आर्मर ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये वीवो का खुद का प्रोटेक्शन है। और इस फोन के अंदर जो हिंज बनाई है वीवो ने, वो कार्बन फाइबर मटेरियल उसमें यूज किया है, जिसकी वजह से ये फोन इतना ज्यादा लाइट वेट हो जाता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो नीचे की तरफ आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, एंड ये जेन 2 चार्जिंग पोर्ट है। इसका मतलब इसमें आपको रीड एंड राइट की जो स्पीड मिलने वाली है वो अप टू 10 Gbps तक मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, साथ में कुछ माइक्रोफोन मिल जाएंगे, और यहाँ पर सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाएगा, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, एंड साथ में आपको एक स्लाइडर भी दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, साथ में एक आईआर ब्लास्टर मिल जाएगा, एंड एक और माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक और माइक्रोफोन दिख जाएगा कैमरा के पास, और पीछे कुछ कैमरा लगे हुए हैं, काफी बड़ा कैमरा हम्प है। फिलहाल बात करते हैं इस फोन के हिंजेस के बारे में। तो जैसे ही आप इस फोन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक क्रीज देखने को मिल जाएगी। इवन दो ये क्रीज आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी फोन यूज करते वक्त, बस आपको दिखेगी आंख से कि हाँ क्रीज है, लेकिन आप जब फोन यूज करोगे, जब आप यूज टू हो जाओगे, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। आप चाहे कितना भी इसको स्क्रीन पे आप अपनी उंगली को ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे करो, आपको क्रीज बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। तो चलो अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको जो आउटर डिस्प्ले मिलता है, इसका मेन डिस्प्ले, वो बहुत ज्यादा पतला नहीं है। मतलब आजकल जो फोल्ड फोन आ रहा है उसमें आपको काफी पतला डिस्प्ले मिलता है, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है यूज करने में। बट वीवो ने इस फोन के अंदर 6.53 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका पीक ब्राइटनेस है 4500 nits, और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है इसकी डिस्प्ले को। आप चाहे कितना भी आउटडोर में यूज करो, इंडोर यूज करो, आपको जो है इसके अंदर ब्राइटनेस में कहीं भी कमी नहीं लगने वाली है। और जो डिस्प्ले है इसको आप एकदम नॉर्मल जो बार फोन होते हैं उसकी तरह भी यूज कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एक फोल्ड फोन यूज कर रहे हो। फोन को जैसे ही आप खोलोगे तो अंदर का जो डिस्प्ले है वो भी काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट एक स्क्वायर शेप में कह सकते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात करूं तो ये अभी तक के फोल्ड का लार्जेस्ट डिस्प्ले है, और ये है 8.3 इंच का 2K प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले, और इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और इसका पीक ब्राइटनेस भी 4500 निट्स है। अगर अंदर के डिस्प्ले की बेजल्स की बात करें तो काफी सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, आपको चारों तरफ एक सिमेट्री देखने को मिलेगी, और ऊपर आपको राइट हैंड साइड में एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, सेल्फी कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का, और डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। कंटेंट देखने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप चाहे आउटर डिस्प्ले में कंटेंट देखो या अंदर के डिस्प्ले में कंटेंट एंजॉय करो, आपको दोनों ही डिस्प्ले में कंटेंट देखने में बहुत मजा आने वाला है। कलर जो है वो काफी अच्छे से दिखते हैं, पंची दिखते हैं, HDR डेफिनेशन जो है वो भी काफी अच्छे से इसमें मैनेज करी गई है। काफी
अच्छा आउटपुट आपको देता है इसका डिस्प्ले। पर अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। और ये फोन आता है 16 GB और 512 GB वेरिएंट के साथ, सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है इसका। और इसके अंदर आपको UFS 4.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, तो रीड एंड राइट की स्पीड आपको इसमें काफी तेज मिलने वाली है। 2 मिलियन से ज्यादा का अंतुतु स्कोर ये फोन निकाल के देता है। तो अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो, जैसे BGMI वगैरह खेलना, वो भी आप आसानी से खेल सकते हो। मैंने काफी सेशंस इसमें BGMI खेल के देखे, मुझे कहीं भी लैग फील नहीं हुआ। इवन दो ये टैबलेट की तरह हो जाता है फोन, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर डिस्प्ले में अगर आप खेल रहे हो, क्योंकि आपको अपनी फिंगर्स वगैरह उस हिसाब से सेट करना पड़ेंगी। अदरवाइज काफी अच्छे से काम किया। इसका जो जायरो सेंसर वगैरह है वो भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये सारी कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। बात करें अगर सेंसर की, तो इसके अंदर आपको सभी तरह के सेंसर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 5700 mAh की बैटरी मिल जाती है। फोल्ड फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी देना, इतनी बड़ी बैटरी को मैनेज करना, सच में एक बहुत बड़ी चीज करी है वीवो ने। उसकी जो बैटरी है आपको आराम से एक दिन का बैकअप दे देगी, अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हो। अगर आप एक हैवी गेमर हो या फिर एक हार्डकोर यूजर हो, तो शायद आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो इसके अंदर आपको फ्रंट टच OS मिल जाएगा एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड, और इसमें आपको 3 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट भी प्रॉमिस किए हैं वीवो ने। तो आप आराम से इसको 3-4 साल तक यूज कर सकते हो, आपका फोन इतनी जल्दी आउटडेट नहीं होगा। और इस बार वीवो ने फ्रंट टच OS में कुछ और भी कमाल की फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे इसमें आपको एक एयर जेस्चर मिल जाता है, आप अपने हाथ की मदद से ही फोन को स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हो। जैसे अगर आप रील देख रहे हो और आप खाना खा रहे हो, तो एयर जेस्चर की मदद से आप इसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये फीचर। अब बात करते हैं इस फोन के सबसे ज्यादा हाइलाइटेड फीचर की, जो कि है इस फोन का कैमरा। वीवो ने कैमरा के लिए इसमें ज़ाइस के साथ कोलैबोरेशन किया है, और इसके अंदर आपको 3 तरह के कैमरा देखने को मिल जाते हैं, 64 MP प्लस 50 MP प्लस 50 MP, और सामने की तरफ आपको 32 MP का कैमरा मिल जाता है, और फोन के इनर डिस्प्ले में भी आपको 32 MP का कैमरा मिल जाता है। अब क्या दोनों कैमरास की क्वालिटी बिल्कुल सेम है सेल्फी में, ये चीज आप लोग चेक कर सकते हो। मुझे क्वालिटी लगभग दोनों की सेम ही लगी। आप देख सकते हो मैंने कुछ फोटोज क्लिक करे हैं इसके सेल्फी कैमरा से, पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन वगैरह काफी सही लगा मुझे, नाइट शॉट भी काफी अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है ये। अब अगर बात करें इसके बैक कैमरास की, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के फोटोज ये बैक कैमरा से ले पा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कैमरा के अंदर, आपको अलग अलग फोकल लेंथ पे क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है फोटोज को, और इसके अलावा काफी अच्छे फोटोज ये क्लिक कर पा रहा है नाइट में, डे में भी, लाइट को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। पोर्ट्रेट में भी इसमें आपको काफी अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके फोटोज आपको कैसे लग रहे हैं। बात करें अगर वीडियोस की, तो यहाँ पर आप 8K वीडियोस अप टू 30 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा 4K में आपको अप टू 60 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, एंड साथ ही इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कैमरा के अंदर भी। अब अगर बात करें इसके ऑप्टिमाइजेशन की, तो वीवो ने इसके अंदर जो फ्रंट टच OS को है काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है। बड़े डिस्प्ले के हिसाब से आप इसको एज ए टैबलेट भी यूज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है वो भी आप कर सकते हो, 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इनर डिस्प्ले में सिर्फ एक साइड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप अपने 3 फिंगर को उसी डिस्प्ले पर जैसे आप स्वाइप करोगे, तो आप एक साइड का स्क्रीनशॉट ले पाओगे। काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करा गया है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, स्पेशली अंदर वाले डिस्प्ले के लिए, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी वगैरह को इम्प्रूव कर पाओ। तो ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा इसका डिस्प्ले वगैरह जो है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है, स्पीड भी काफी अच्छी है फोन की, एंड कैमरा वगैरह के हिसाब से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी इसके अंदर। फोल्ड फोन होने के बावजूद भी काफी ज्यादा लाइट वेट है ये, और इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो आपको ऑलमोस्ट एक कैंडी बार फोन की तरह ही फील होने वाला है। और अभी फिलहाल इस फोन का जो प्राइस है वो है 1,59,999 रुपए, और अगर आप चाहो तो इस फोन को EMI वगैरह पर भी खरीद सकते हो। वीवो काफी अट्रैक्टिव ऑफर दे रहा है फिलहाल इस फोन पर। फोन आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।